और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। भिंड से बड़ी खबर, भिंड में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी खराबी के चलते अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल पायलट और सवार सैनिक सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, पायलट ने खेत में ही हेलीकॉप्टर उतार दिया। अपाचे हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। भिंड से बड़ी खबर, दरअसल भिंड में एयरफोर्स का अपाचे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रवि रमन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। रवि, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर क्या परेशानी थी वहां और हेलीकॉप्टर लैंड कराया गया इमरजेंसी? रवि आवाज मिल पा रही है, जानना चाहेंगे अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे क्या कारण था? रवि लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है रवि तक। और दरअसल पायलट और जो सभी सैनिक इसमें सवार थे सभी सुरक्षित हैं, ये एक बहुत ही अच्छी और राहत की बात है। हालांकि इमरजेंसी लैंडिंग यहां करानी पड़ी, क्या कारण था उस वक्त, क्या ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर को वहां लैंड करना पड़ा खेत में, और क्या उस हेलीकॉप्टर की वहां इमरजेंसी लैंडिंग के बाद वहां की स्थिति है, क्या कौतूहल, क्योंकि इस तरह से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर अगर किसी खेत में उतर जाए तो गांव के आसपास के गांव के लोगों में भी एक एक क्यूरियोसिटी और एक हलचल पैदा हो जाती है। और यहां प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है और इमरजेंसी लैंडिंग जब खेत में कराई गई उसके बाद क्या आगे का प्रोसीजर रहेगा? और चूंकि खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराना तो संभव है, लेकिन क्या वापस वो टेक ऑफ वहां से पूरी ठीक तरीके से कर पाएगा? आप चूंकि अपाचे हेलीकॉप्टर इस तरह की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सक्षम है, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी रवि रमन हमारे साथ जुड़ गए। रवि आवाज मिल पा रही है? जी सर। क्या कारण रहा, क्यों इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, और जब हेलीकॉप्टर खेत में उतारा गया तो उसके बाद वहां किस तरह की हलचल है, जानकारी क्या अपने पास? ये नयगांव थाना क्षेत्र का मामला है, जखमौली गांव है, जहां पर जो सेना का जो प्लान है वो मौसम खराब, प्रथम दृष्टया सामने जो निकल कर आ रहा है वो मौसम की खराबी के कारण तक और थोड़ी बहुत तकनीकी भी खराबी बताई जा रही है सूत्रों की माने तो, और इसी की वजह से जो प्लान है वो एक खेत में लैंड करा लिया गया है। और फिलहाल इसमें कोई हताहत की स्थिति भी नहीं है और ना कोई जनहानि है, और आराम से प्लान को रोक दिया गया है। और मौके पर जो नयागांव थाना पुलिस है वो तत्काल पहुंच चुकी है, जिसने चारों तरफ से प्लान को घेर लिया है, सुरक्षा कवच बना लिया है, और अभी फिलहाल जो सेना के जो अधिकारी हैं उनसे अभी फिलहाल बात नहीं हो पा रही है, ना ही वो मीडिया को अंदर जाने दे रहे हैं। जी, वापस टेक ऑफ के बारे में क्या डिटेल मिल पा रही, कितना देर ये रुकेगा यहाँ पर, और कुछ डिटेल्स इसके बारे में? ये टेक ऑफ अभी फिलहाल हाल ही में किया गया है, और इसकी जो प्रथम दृष्टया ये है, तकनीकी जो है वो एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं, उन एक्सपर्टों के द्वारा जब उस प्लान की तकनीकी चेक कराई जाएगी उसी के बाद ये प्लान को वापस उड़ान भरेगा ये। जी रवि बहुत शुक्रिया आपका। पायलट ने खेत में ही हेलीकॉप्टर को लैंड कराया दरअसल, और ये जो हेलीकॉप्टर है इमरजेंसी में यहाँ लैंड कराया गया, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मौसम कुछ ख़राब होने के चलते और कुछ तकनीकी परेशानी, दोनों ही यहाँ पर कुछ कुछ कारण रहे, और यहाँ दोनों की स्थितियों को देखते हुए एक जो सुरक्षित कदम ये उठाया गया कि इसे खेत में ही लैंड करा लिया गया, जिससे कि जो उसमें सवार सैनिक थे पायलट दोनों ही सुरक्षित हैं पूरी तरह से, और इसको वापस टेक ऑफ करने के लिए कुछ समय लग सकता है। और एक तस्वीर जो इस वक्त सामने आई है वो हम आपको दिखा दें, अपाचे हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड कराया गया है, और ये भिंड से तस्वीर सामने आई है। भिंड में भारतीय सैनिकों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सुरक्षित है, हालांकि मौसम साफ दिखाई दे रहा है, धूप है हल्की, और फिर भी मौसम की खराबी, क्या इसके पीछे कोई कारण रह सकता है, या तकनीकी खराबी ही इसके पीछे कारण है, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर उसे साझा नहीं किया जा रहा है, ये प्रश्न रहेंगे। और एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर है जिसे इमरजेंसी के चलते यहाँ लैंड कराना पड़ा। यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक।